मेरा नाम है सौरभ वर्मा, वेलकम टू bombaycasting.com। ये आप ही का पोर्टल है और आप ही के लिए है। एक एक्टर को जब एक स्क्रिप्ट मिलती है ऑडिशन की, तो बिफोर ही कैन रिएक्ट टू इट, आई थिंक उसे कम से कम 100 बार वो स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब वो जितनी बार पढ़ेगा, हर एक शब्द का मतलब समझेगा, उसका एक इंटरप्रिटेशन उसके मन में होना चाहिए। डायरेक्टर क्या चाहता है, राइटर क्या चाहता है, अगर उन्होंने एक्सप्लेन किया है तो वो स्क्रिप्ट में लिखा होगा, अगर वो नहीं लिखा है तो उन्हें एक अपनी कहानी बनानी पड़ेगी। तो उससे कहानी बनाने से पहले आपको कई बार वो स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, पढ़ने के बाद उसकी एक कहानी का बैक स्टोरी बनानी चाहिए। तो अगर वो कैरेक्टर है जो कहीं से भाग के आया है, तो वो कहाँ से भाग के आया है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो लॉयर है, अगर वो कहानी में नहीं लिखा तो अपने हिसाब से एक इंटरप्रिटेशन कर लीजिए एंड उस हिसाब से आप एक कहानी को आगे बढ़ाइए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक ऑडिशन में एक कैरेक्टर है डॉक्टर जो पेशेंट से बात कर रहा है। तो एक एक्टर आया जिसने अपने हाथ से रुमाल निकाला और रुमाल से हाथ बांधते हुए उसने पूरा डायलॉग बोला। सिर्फ वो एक स्मॉल जेस्चर था जिसकी वजह से वो सेलेक्ट हुआ, क्योंकि उसने वो एफर्ट दिया कि एक रुमाल को लिया, उसकी एक बैक स्टोरी बनाई कि वो ऑपरेशन करके आया है एंड एक परफॉर्मेंस दी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि उस किरदार को समझना और अपने नज़रिए से समझना। आपको डायरेक्टर की तो सुननी है, पर एक अपना भी एक अकल बिठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ एक डायरेक्टर देखता है, वो ये देखता है कि एनर्जी क्या है, किस तरह की एनर्जी एक एक्टर लेके आ रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है वो। कई बार एक्टर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं एक कैरेक्टर को ओवरथिंक करके। ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा उसके बारे में उसका ऑपरेशन ना करिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये फिल्म है, कोई नासा का रॉकेट साइंस प्रोजेक्ट नहीं है। तो उस हिसाब से हमें एक प्लान करना चाहिए। हर डायरेक्टर का एक अपना नज़रिया होता है, हर एक कास्टिंग एजेंट का एक अपना नज़रिया होता है, पर एक स्क्रिप्ट जब आपको मिलती है तो आप उसको अपने नज़रिए से ज़रूर देखिए। एक नज़रिया है जो एक कास्टिंग एजेंट या डायरेक्टर का है, आप वो वेरिएशन दीजिए एंड फिर उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या मैं एक अपना वेरिएशन भी दे सकता हूँ। 99% ऑफ द टाइम अगर आप वो एफर्ट लेते हैं, अगर आप उसको एक वेरिएशन देते हैं या तीन वेरिएशन देते हैं, दो से ज़्यादा वेरिएशन देते हैं, तो ये अप्रिशिएट ही किया जाता है, क्योंकि एक आदमी सोच के आया है। प्रॉब्लम होती है तब जब एक एक्टर रिजिडिटी के साथ एक ही तरीका वेरिएशन देता है और उसको कुछ और करने को बोलते हैं तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने उसके बारे में सोचा ही नहीं होता है। तो जितना सोचेंगे किरदार के बारे में उतना आप इवॉल्व होंगे। खुदा ना खास्ता अगर आपका ऑडिशन नहीं भी सक्सेसफुल हुआ, वो आपको हेल्प करेगा एज एन एक्टर ग्रो करने में। तो ऑडिशंस आर नॉट ओनली टू गेट सेलेक्टेड, ऐसा नहीं है कि हर ऑडिशन में आप सेलेक्ट होंगे, पर एक हर ऑडिशन के बाद आप एक लेवल अप एक एक्टर बनेंगे। सो इसलिए ऑडिशंस आप अपने लिए भी कर रहे हैं, ना कि सिर्फ उस डायरेक्टर के लिए। आई थिंक एक एक्टर को बेसिक ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो किसी इंस्टीट्यूट का नहीं है तो कहीं असिस्ट करे, कहीं असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाए, कहीं कास्टिंग में कुछ घुस जाए, क्योंकि असिस्ट करने से भी जो ज्ञान मिलता है दूसरे एक्टर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, वो कंपेरेबल नहीं है किसी और चीज़ से। तो दूसरा, जो हमारी उम्र में ये चीज़ नहीं थी, जो अब अवेलेबल है, आपके पास एक बहुत बड़े गुरु हैं, उन गुरु का नाम है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाएं, एक्टर्स को देखें, उनके नज़रिए को सुनें, पर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है एक्टर जो है वो रियल एक्टर तभी बनता है जब उसकी ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, जब वो वाकई सेट पे जाता है और दूसरे एक्टर्स को परफॉर्म करते देखता है। तो असिस्ट करना एक बहुत फ़ायदा करता है हर एक्टर को। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन में कभी कभी एक्टर्स बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते या कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं किरदार के बारे में। तो बिना सोचने से पहले थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें तो आपकी सोच और कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। एक बात बोलनी पड़ेगी कि आने वाला टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जो नई जनरेशन के एक्टर्स हैं वो एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं। उनको ना सिर्फ परफॉर्मेंस करना आता है, उनको हर तरह के आर्ट में वो दक्ष हैं। जैसे वरुण धवन है, पहली फिल्म से ही उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग थी, या अनुष्का शर्मा है, या आलिया भट्ट है, जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल अलग है। यू मे फील कि नहीं यार, इनके पास एक सपोर्ट सिस्टम था या कुछ था, बट ऐसा नहीं होता। एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता। कई बार एक छोटे रोल में भी अगर एनर्जी राइट होगी तो बहुत वर्क करती है। तो एक्टर्स तो आज की डेट में सारे ही अच्छे हैं।